पिछौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनपुरा में क्षेत्र विधायक और पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू द्वारा गौशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। क्षेत्र विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि अभी मेरी राज्य में सरकार नहीं है, इसके बाद भी मैं समय समय पर सरकार को पत्र के द्वारा अपनी मांगों को राज्य सरकार में रखता हूँ। विधायक द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा जो 20 प्रति गाय को खर्चा दिया गया जाता है उसमें 20 रुपये से कुछ नहीं होता, इसलिए गांव वालों से आग्रह है कि हम सब मिलकर एक सेवा के नाते कुछ खर्च गौशाला को दे, जिससे हमारी गौ माता भूख से व्याकुल होकर इधर उधर ना घूमे। इस मौके पर जनपद पंचायत सीईओ पुष्पेंद्र व्यास, पंचायत सचिव राजकुमार पटेल, सहायक सचिव दिम्पेश बंसल, जनपद पंचायत अध्यक्ष पति सोनू निगोती पिछोर आदि समस्त ग्रामवासी और नेता उपस्थित रहे। ये जो प्रॉपर्टी है ठीक नहीं, जिस माँ का हमने दूध पिया है, जिस गाय का हमने दूध पिया है, कि हमारी जिम्मेदारी है जब वो किसी लायक न बचे तो उसकी सेवा करें। और इसी का मकसद से गौशाला पूरे मध्यप्रदेश में खोलने का प्रयास किया था। आगे और जो बनेंगी कैसे संचालित होगी, इसमें चूंकि हम लोग सरकार में नहीं है, सरकार में दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्हें निर्णय करना है। लेकिन मैं आपसे चूंकि गाँव अपना है, समस्त ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि इसको गौशाला के संचालन में सहयोग करना। ये मांगे करना कि जिस गाय का आपने दूध पिया है उस गाय के पेट की भूख आपको बुझाना है। और हम लोग गरीब नहीं हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भूसा घर से देना बेचारा घर से देना, पानी की व्यवस्था तो गौशाला में है, सिर्फ खाने की व्यवस्था ही करनी आ सकती है। सीओ साहब बताया था साहब 20 रुपये एक गाय को मिलता है, 20 रुपये से काम नहीं चलता, नहीं चलता है तो फसल जैसे भी होना सब लोग मिलकर करना, थोड़ी थोड़ी अपने खर्चे में कटौती कर लेना। क्या कर पड़ा था, दो दिन सूखी रोटी उधार में निकालना। अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये गौशाला का संचालन मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये है मनपुरा, तो छोर के दूसरे छोर पर है बांवर कला। बांवर कला के लोग सरकार से सहयोग नहीं मिलने के बाद भी पूरे शिवपुरी जिले में पहले नंबर पर है। इतनी बढ़िया गौशाला संचालित हो रही है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मनपुरा जो समझदार गांव है और ये सब हो सकता है। और अखिलेश बिलैया जी भी आगे बहुत ही बनाने के, तो ये तो इनका संकल्प है, जो कुछ करूंगा बिल्कुल पूरी तरह से करूंगा। तो ये गौशाला का संचालन बंद नहीं होना चाहिए, कम मवेशी रहे 50-100 जितनी जगह अपनी रखो, लेकिन गौशाला का अगर बनी है तो उसमें फिर गौ की सेवा होना ही चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारी परंपरा कहती है। अंत में मैं प्रसन्न श्रीवास्तव जी करेगा, लेकिन मनपुरा की प्रॉपर्टी में शुरू से देख रहा हूँ कि ये चुनाव तक की लड़ाई रहती है। जो राजनीति में होना चाहिए, हमारा कंपटीशन चुनाव तक होना चाहिए। चुनाव के बाद तो जीत गया खत्म, सब उसको देता हुआ तो वो अपने काम करेगा। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के गांव में देखने को बहुत कम मिलता है, और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है ग्राम मानपुरा। और उसी वजह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मानपुरा में आके कि कोई दूसरी पार्टी का है या नहीं, ये मानपुरा की सुभावाद हमेशा रही है। और अखिलेश बलैया जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मानपुरा का जो आचरण है भौती में भी कायम करो, क्योंकि बहुत ही समझदार मन, मनपुरा बड़ा भाई है, बहुत ही छोटी बहन, तो जैसा बड़े भाई के घर में हो रहा है वैसे बहन की होना चाहिए। तरफ से पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जहाँ जाए वो सब खराब हो रही है। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये कुछ योजना ऐसी है जो तो नई सरकार को नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो निर्णय अभी तक नहीं हो पाए। और गौशाला संचालन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए बहुत सारी गौशाला बनने के बाद भी बर्बाद है। लेकिन चूंकि मनपुरा समझदार गांव, इसलिए मैं मनपुरा के समस्त लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो है, लेकिन हमारी सबकी जवाबदारी है कि गौशाला चले, और उसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता होती है। किसी के घर में भूसा है, किसी के घर में चावल।